वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। आप लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्या कि हमने देखा कि कोरोजन क्या होता है, हमने देखा कि मेटल को ख़राब जो हो जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस की वजह से, तो उसको हम कोरोजन कहते हैं। अब बात करते हैं हम रेंसिडिटी की। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि घर में रखा हुआ खाना जो होता है वो बहुत अजीब से स्मेल करने लगता है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, इवन देखते हैं कि दूध फट जाता है। तो ये क्या है, ये रेंसिडिटी है, उसमें होता क्या है, यानी इसमें जो फूड होता है उसका स्पॉयलेज हो जाता है, यानी स्पॉयलेज ऑफ फूड हम यहाँ लिखे हैं, द स्पॉयलेज ऑफ फूड फ्रॉम विच अनप्लीजेंट ऑर्डर कम्स, यानी अजीब सी महक आएगी, गंदी महक आने लगेगी। क्यों? क्योंकि फूड क्या हो गया, खराब हो गया। फूड के खराब होने को ही हम क्या कहते थे हैं, रेंसिडिटी। खट्टापन आ जाता है, सोर टेस्ट होने लगता है। ये जो स्पॉयलेज ऑफ फूड है वो क्यों होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ फैट। जनरली वही खाने खराब होते हैं जिसके अंदर फैट का कंपोजिशन ज्यादा होता है, फैट के टूटने की वजह से ही अनप्लीजेंट स्मेल आती है। अब हम बात समझ करते हैं कि रेंसिडिटी कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है, हाइड्रोलिक, ऑक्सीडेटिव एंड माइक्रोबियल। यानी अगर पानी के वजह से, जैसे अचार होता है, अगर अचार में आप देखेंगे कि जरा सा ही पानी पड़ जाए तो पूरा अचार खराब हो जाता है, तो अगर पानी के वजह से फूड खराब हो रहा है क्योंकि फैटी एसिड उसका ब्रेक हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो उसको कहते हैं हाइड्रोलिक रेंसिडिटी। लेकिन अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस के वजह से फैटी एसिड ब्रेक हो रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेटिव कहेंगे। समटाइम व्हाट हैपेंस कि माइक्रोबियल एक्टिविटीज होती है, माइक्रोब्स पे अटैक कर जाते हैं, तो अगर फूड स्पॉयलेज हो रहा है तो उसको माइक्रोबियल एक्शन कहेंगे। इससे बचा कैसे जा सकता है, आराम से बच सकते हैं। प्रिवेंशन क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफिरॉल कुछ एंटीऑक्सीडेंट हैं जो ऑक्सीडेशन नहीं होने देते, ऑक्सीडेशन जो ना होने दे उसे हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। टोकोफिरॉल और एस्कॉर्बिक एसिड को हम एज ए एंटीऑक्सीडेंट यूज करेंगे तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। दूसरा, अगर हम माइक्रोबियल एक्टिविटी से बचना चाहते हैं तो एयर टाइट कंटेनर ले लें, यानी पैक रहे जिसमें कुछ हवा नहीं जा सकती, कुछ नहीं जा सकता, तो उससे क्या होगा, माइक्रोब्स भी नहीं जा सकता, पानी भी नहीं जा सकता, तो वो बचा रहेगा। नाइट्रोजन पैकिंग इन फूड, अगर आपने कुरकुरे चिप्स के पैकेट को फाड़ के देखा होगा तो उसमें गैस भरी रहती है, जो अंदर सामान होता है बहुत कम होता है, पूरे में पैकेट में गैस भरी रहती है। गैस का फंक्शन है एज ए प्रिजर्वेटिव, वो एज ए प्रिजर्वेटिव काम करता है, नाइट्रोजन गैस उसमें भरी है। और लास्ट होता है लो टेम्परेचर, हम लोग रात को क्या करते हैं, खाना जो बचा रहता है उसको फ्रिज में रखते थे, फ्रिज में लो टेम्परेचर पे क्या होता है, माइक्रोबियल एक्शन जो होता है वो सीज हो जाता है। कभी कभी हम पार्चुरेशन भी यूज करते हैं, यानी किसी चीज को खूब ठंडा करके फिर खूब गर्म कर सकते हैं, तो भी क्या हो सकते हैं, सारे माइक्रोब्स जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेंसिडिटी। इसके बाद आप लोग को करना क्या है, एनसीईआरटी में दिए हुए जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करिए, नहीं आता है तो मुझे प्लीज कमेंट में लिखिए कि कौन से क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं आ रहा है। थैंक यू।